इस संसार में ना सुख दुख की सबकी अलग अलग व्याख्याएं हैं, सबकी अलग अलग व्याख्याएं। किसी के लिए जो सुख है वही किसी के लिए दुख बन जाता। मान लो एक बहुत बड़ा सेठ है, उसने 2 महीना कपड़ा पहना, 2 महीने एक शर्ट पहनी, अब उसको लगा ये तो पुरानी हो गई, उसने वो शर्ट किसको दे दी, अपने घर के काम करने वाले नौकर को दे दी। और नौकर जब वो इतनी महंगी शर्ट 2 महीना पहन कर के सेठ दे देता है, जो सेठ के लिए पुरानी है, वो नौकर के लिए वो जो शर्ट है वो इतनी खुशी लाती है जैसे कोई उसको एकदम नया सामान मिल गया हो। अब नौकर उसको एक आध साल 2 साल पहनता है, अब उसके लिए वो पुरानी हो गई। अब वो क्या करेगा, वो जब अपने गांव में आएगा एक आध साल बाद, तो वो अपने घर का जो कोई पड़ोसी या दोस्त है उसको बड़े शौक से कहेगा, जानता 10,000 रुपया की शर्ट है, मालिक ने दी, ले अब तू पहन ले, 2 साल मैंने पहन ली, अब तू पहन ले। उसने ला करके वो शर्ट उसे दी, वो सबरे गांव में दिखाता है, देखो भाई सेठ जी की शर्ट है। अब कपड़ा एक है, वस्त्र एक है, लेकिन अगर देखोगे तो तीनों की स्थितियों में उसकी कीमत अलग अलग है। तीनों की परिस्थिति में उसकी कीमत अलग अलग। और कुछ दिन वो गांव वाला पहनेगा, पर जब फटफटू जाएगी तो वो क्या करेगा, फिर वो उसको झाड़ू पोछा के काम में लाएगा, उसको पोछा के काम में लाएगा। तो एक ही चीज करते करते किसी के लिए कितनी कीमत अलग अलग रूप में रखती है, बस इतनी सी बात को हमें समझना है। किसी के लिए एक चीज बड़ी कीमती है तो किसी के लिए वो कोई भी कीमत नहीं, उसमें कोई सुख नहीं। इसलिए सबकी सुख दुख की परिभाषाएं अलग अलग होती हैं। एक चीज में किसी को सुख मिल रहा है, दूसरे को उसी में दुख मिल जाता है। एक व्यक्ति में किसी को सुख मिल रहा है, अब एक व्यक्ति में आपको तो सुख मिल रहा है, लेकिन सामने वाले को उसमें कोई सुख नहीं, वो देख देख करके उसको जल रहा है, उसको सुख नहीं मिल रहा है। इसका मतलब व्यक्ति में सुख नहीं है, सुख और दुख हमारे नजरिए में, परिस्थितियों में सुख दुख नहीं है। अब एक मान लो 2 दोस्त हैं, एक गांव के हैं, बिहार के एक छोटे से गांव के गेरे के 2 दोस्त हैं, एक चला गया मुंबई, एक रह गया यही गांव में, किसानी करता है, खेती बाड़ी करता है। एक दिन जो गांव वाला दोस्त है उसके मन में आया, भैया लंगोटिया यार थे, कितना खेलते कूदते थे, एक बार जाके उसको मिला है बम्बई में, बम्बई भी देखाएंगे, सुना बड़ी अच्छी नगरी है, और तो बम्बई दर्शन भी हो जाएगा और दोस्त से मिलना हो जाएगा। बड़ा खुश हुआ, गया बम्बई, उसके घर सुना था बड़ा पैसा वाला बन गया है वो, तो देख के आए कैसा घर है, कैसी सुविधा, तो गया। जब गांव वाला मित्र शहर गया, बम्बई गया, तो शहर वाले मित्र ने सोचा भाई बड़े दिनों बाद यार आ रहा है, दोस्त आ रहा है, खूब सेवा करेंगे उसकी, बढ़िया से आतिथ्य करेंगे, बड़ा अच्छे से उसका सत्कार करेंगे। तो सत्कार करने के लिए उसने क्या किया, पहले तो जिस कमरे में वो रुकने वाला दोस्त, उसमें बढ़िया खूब सारा वो आता ना खुशबू वाला रूम फ्रेशनर, वो छिड़क दिया बढ़िया, कि मित्र आएगा बढ़िया बढ़िया खुशबू लेगा। अब जैसे वो मित्र उस कमरा में घुसा तो सबसे पहले उसके खोपड़ी में दर्द हुआ। कुछ लोग को ये भाता नहीं ना, और सुगंध भाती नहीं, वो सुगंध आती उनके सर में दर्द हो जाता है, अरे राम 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 ये कहाँ रहता है, या कमरा में घुसते ही हमको तो उसको खुशबू भी उसके लिए सरदर्द बन गई। अब फिर दोस्त आ रहा है बड़ी दूर से, इसलिए उसने 1 घंटा पहले ही वो कमरे का एसी एकदम लो टेम्परेचर 16 पे चला के छोड़ दिया कि ठंडक में आके दोस्त रहेगा। और गांव का आदमी पेड़ के नीचे सोने वाला आदमी, उसको ठंड में अब उसको रिमोट चलाना आए नहीं कि बढ़ता कैसे गर्म कैसे होता, अब ठिठुरा बैठा है वहाँ पे। फिर बारी आई भोजन की, दोस्त बोला चलो भोजन, पत्नी का बढ़िया एकदम भोजन बनाना बढ़िया सा। अब पत्नी रोज तो बनाती थी रोटी सब्जी, आज दोस्त आया तो पत्नी सोचा आज कुछ
कुछ यूनिक सी चीज़ बनाती हूँ, कुछ बढ़िया सा कुजीन बनाती हूँ। तो उसने आज बनाया इटालियन पिज्ज़ा। और जो गांव का आदमी होता ना, उसको पिज़्ज़ा भाता नहीं है, पहले तो उसकी शक्ल देख करके ही एकदम घबरा जाता है कि ये है क्या। अम्मी जब पहली बार हमने पिज़्ज़ा खाया, अमेरिका में खाया, US गए थे 2008 में, इस्कॉन मंदिर था, मंदिर में बनाया गया था पिज़्ज़ा, तब तक नाम ही नाम सुना था, कभी दर्शन नहीं करे थे। और पहली बार जब उसको देखा और उसकी रूपरेखा को देखा, तो एकदम देख करके लगा रही राम, वो दिखने में ही ऐसा लगता है कि बड़ा अभद्र भोजन है। बाद में तो फिर आदत पड़ गई, पर पहली बार जब कोई एकदम से देखे तो उसे बड़ा विचित्र लगता है। अब भूखा रहे, दोस्त समझ गया कि बेचारा शायद इसको भाया नहीं, तो पत्नी को जल्दी जल्दी गरम गरम रोटी बना के लाओ। तो पत्नी एकदम इतनी छोटी छोटी सी फूली फूली सी रोटी बना के लाई, एक रोटी रखी, अब वो एक रोटी उसके एक टुकड़ा के बराबर, एक रोटी रखी, दूसरी रखी, और दूसरी रखने के बाद पूछती है और लाऊं? अब वो बैठा बैठा सोचा, और लाऊं मतलब अभी तो शुरुआत तो हुई नहीं है, तो और लाऊं पूछने लग गई। लगता है घर में आटे की कमी पड़ गई है। चुप रहा बेचारा, रात भर नींद नहीं आई। क्यों? क्योंकि अब उसको तो खुले में सोने की आदत, डनपल के उस बढ़िया मोटे गद्दे पे लिटा दिया, उसमें भीतर घुस गया आधा, तो करवट बदलता रहे इधर से उधर उधर से उधर। सुबह हुई जल्दी, थैला झोला उठाया, बोला हम चलो भैया, ये कोई जिंदगी है? ऐसे कोई जीता है? गांव आया और गांव वालों ने आके पूछा कि भैया कैसा है वो दोस्त जो रहता तेरा शहर में? बोले पूछो मत, एकदम नरक में रहता है, इतना ठंड में ठिठुरे। अरे और तो और, घर में खाने के लिए आटा तक नहीं है। हम तो सोचते बड़े मजेदार होगा। अब आते आते वो शहर वाले मित्र को अपने गांव न्योता दे के गया था कि तू आना, हम दिखाएंगे तुझको कैसे होता सत्कार। अब शहर वाला गांव आया, और शहर वाला जब गांव आया, बढ़िया अपनी वो 80-90 लाख की वो बड़ी वाली गाड़ी लेकर के गांव में जैसे घुसा, तो सबसे पहले तो गांव के सबरे बालक गाड़ी के पीछे भागे। गांव में जब नई नई गाड़ी आती है, तो सबरे गांव के बालकों की दावत बन जाती है, और उनको कोई मतलब नहीं है, वो खड़ी गाड़ी पर अपना नाम जरूर लिखेंगे, मिट्टी पे अपना नाम लिख के उस पे दिल बना के रजिस्टर है, अभी हमारी। तो अब आए बेचारा, हॉर्न बजा बजा के परेशान, भैंस नहीं हटे, गाय नहीं हटे आगे से। गांव वाला बोला अब देखो, इसने तो हमारा जीना आराम माँ करवा दी, हम देखो कैसे सत्कार करते। उसने कमरा में रूम फ्रेशनर छिड़का था, अब गांव वालों के लिए रूम फ्रेशनर क्या, उसने इसके कमरा में बढ़िया बढ़िया ताज़ा ताज़ा गाय के गोबर का लेप किया। अब जैसे ही घुसे, सोई महाराज नाक बंद कर ले, अरे राम राम राम, छी छी छी, यहाँ तो बड़ी दुर्गंध आ रही है। पत्नी को कहा इसके घर गए हम भूखे रह गए, ये नहीं रहना चाहिए, एकदम कमाल की रोटी बनाना बढ़िया सी। तो पत्नी बोली हाँ बढ़िया बनाऊंगी, उसलबट्टे की चटनी पे चटनी बनाई और रोटी बनाई। रोटी कैसी, रोज तो बनाती थी 1 इंच की, पर आज स्पेशल दोस्त आया 2 इंच की रोटी बनाई, बढ़िया एकदम चूल्हे पे आग पे रोटी बना करके। अब वो खाए तो उससे निकली ना जाए भीतर, गर्मी में मर गया, मच्छर खा गया। वो क्या सोचता, वो सोचता रे राम राम राम, कैसी जिंदगी जी रहे हैं ये लोग, कैसे जी पाते हैं लोग। अब भैया जो जिसको यहाँ की आदत है, उसको शहर वाली जिंदगी बेकार लगती है, और जो शहर वाला उसको यहाँ की जिंदगी में दुख लगता है। पर ना दुख यहाँ की ज़िंदगी में है, ना दुख वहाँ की ज़िंदगी में है। जिसने जैसा सोच लिया, जैसा मन बना लिया, उसके लिए सुख और दुख वैसे बन जाते हैं। सबकी अपनी अपनी अलग अलग व्याख्याएं हैं दुखों की और सुखों की। जीवन में इतने तकलीफें, इतने कष्ट, इतने दुख, लेकिन फिर भी भगवान पे भरोसा। जीवन में काम तो सबको करने पड़ेंगे,
कोई बिरला ही होता है जो संसार त्याग करके एकमात्र भगवान में लग जाता है, वो बड़े भाग्यशाली हैं। पर अन्यथा तो संसार के लोग यही कहते हैं कि भाई ऐसा कोई मंत्र बताओ, ऐसा कोई रास्ता बताओ, काम भी चले और भगवान भी मिल जाए। तो जो भी कार्य कर रहे हो उस कार्य के केंद्र में भगवान का होना जरूरी है। क्या भगवान के भक्त जो थे वो काम नहीं करते थे? रैदास जी चर्मकार थे, गोरा जी कुम्हार थे, स्वयं श्री भगवान श्री एकनाथ जी के घर कितनी सेवा करने वाले जो लोग थे, जेनाबाई रोज झाड़ू लगाती, सफाई करती, शिखंडी बनके भगवान उनके घर पानी भर के लाते। तो कहने का मतलब कि जहाँ ग्रस्त धर्म में रहते हुए भी इंसान भगवान को न भूलता हो उस पर भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। अब देखो, जो जिनके जीवन में कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई सन्यासी है, कोई बाबा जी है, वो बैठ के माला करे तो भगवान जानते हैं इसके पास हमारे भगवान के भजन के अलावा और काम ही क्या, भजन ही करेगा। पर जिस आदमी के चारों ओर घर की चिंता, बच्चों की चिंता, एक तरफ चिंटू रो रहा है, एक तरफ चिंटू की मम्मी चिल्ला रही है, एक तरफ सासू चिल्ला रही है, एक तरफ बहू चिल्ला रही है, और ऐसे पूरे घर के माहौल में भाग दौड़ में अगर कोई एक माला लेके माला करने बैठता है तो ठाकुर जी उस पर बड़े प्रसन्न होते हैं कि देखो भैया इतनी सारी इसकी परिस्थितियाँ खराब है फिर भी मेरा भजन कर रहा है, फिर भी मेरी माला कर रहा है। तो इसलिए यहाँ आप जितने बैठे हो, सब घरवार वाले ही बैठे हो, सबका अपना परिवार है, सबके अपने बालक बच्चे सब कुछ हैं, कमाई भी करनी है, सब कुछ करना है। सब कुछ करने के साथ साथ बस इतना याद रखना है कि इन सबका जो केंद्र है, सबका जो मूल है, वो हमारे भगवान हैं। उन पर विश्वास होना चाहिए, उन पर भरोसा होना चाहिए।